उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा और आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। बीएससी आईटी मुंबई यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से स्वागत है। वी हैव ऑलरेडी सीन द इंडिविजुअल कांस्टेंट वेरिएबल अरे एलिमेंट्स एंड फंक्शन रेफर्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर बाय वेरियस ऑपरेटर्स एंड फॉर एक्सप्रेशन वी हैव द मेंशन ऑफ द से इंक्लूडेड लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स विच इज फॉल ऑफ द इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज। चैप्टर वी हैव एग्जामिन इन सर्टेन ऑफ दीज कैटेगरीज इन डिटेल्स। स्पेसिफिकली we will see how the arithmetical operators, unary operators, relation and logical operators. तो इस चैप्टर में हम arithmetical operators, arithmetic operators, unary operators, relation and logical operators and assignment operators, उसके साथ ही साथ conditional operators and used form of expression. These data items operators act called operand. Some operators require two operands, which is the other act upon the only one operands. Most operators allow individual operands by expressions. A few operators permitted by only single variable. सबसे पहले arithmetic operators की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ operators निकल के आ रहे हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो plus ये operator है, minus ये operator है, into ये operator है। आप लोगों को भी पता है अगर कुछ ना कुछ problem solve करते हैं तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन में आते हैं। इसको खास तौर पे बोला जाता है मॉड्यूलस, जो कि अभी हम नीचे देखेंगे। द परसेंटेज ऑपरेटर्स इज समथिंग रेफर्ड बाय द मॉड्यूलस ऑपरेटर। दिस आर नॉन एक्सपो, यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर्स नहीं है सी में। हाउएवर दिस आर द लाइब्रेरी फंक्शन पी ओ डब्ल्यू, यहाँ पर एक लाइब्रेरी है पी ओ डब्ल्यू करके, वो कैरी आउट करती है एक्सपोनेंशिएशन को। The operand act upon the arithmetic operators must be represent a numeric value. यहाँ पर numeric value को represent किया जाता है। The operand can be integer quantity and floating point quantity or character. The remaining operators plus modulus require the both operators integer and second operator non-zero. Similarly, division operators and require the second operand non-zero. Division one of the most integer quantity by another referred by the integer division. These operations also result of the truncate quant. And one on the other hand, if a division operation is carried out with a two floating points number of or within the floating points human number. Example के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर a को 10 मान लेते हैं। Suppose मतलब मान लेते हैं a को 10, यहाँ पर हम एक बार क्लियरली देख लेते हैं। ए को हम यहाँ पर 10 मान लेते हैं एंड बी को हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं रिस्पेक्टिवली। हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं अर्थमेटिक का यूज करके, जिसमें कि एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग दिस वेरिएबल्स, मतलब इस वेरिएबल में एक्सप्रेशन इन्वॉल्व रहेगा। पहला ए प्लस बी, अगर हम 10 में 10 3 प्लस प्लस करें, 10 में 3 प्लस करें तो कितना आएगा 13। ए माइनस बी, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 7 a into b, 10 into 3 is equal to 30, is 30. a divide by 3 is equal to 3 point something आएगा, बट यहाँ पर 3 दिया हुआ है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो मॉड्यूलस आता है, मॉड्यूलस में 1 आएगा। नोटिस बाय दैट यहाँ पर जो देगा, ऑल्सो नोटिस द इंटीजर रिमाइंडर रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूज मॉड्यूलस ऑपरेटर्स लास्ट एक्सप्रेशन। नाउ सपोज a इज इक्वल टू 12.5, यहाँ पे हम यहाँ पे जा रहे हैं पॉइंट में, दशमलव में जा रहे हैं, जिसको पॉइंट बोला जाता है 2.0। रिस्पेक्टिवली हम बी को मान लेते हैं तो यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फिर से एक्सप्रेस किया गया है, जिसमें कि ए प्लस बी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर इतना आता है। ये आप कैलकुलेट कर लेना। यूरेनरी ऑपरेटर को समझते हैं। सी इंक्लूडेड अ क्लास ऑफ ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड टू प्रोड्यूस अ न्यू लाइन। सच एज ऑपरेटर्स आर नोन एज यूरेनरी ऑपरेटर्स। यूरेनरी ऑपरेटर्स यूजुअली प्रोड्यूस सिंगल ऑपरेंड्स through some unary operators are written after their operand. Perhaps the most common unary operators is unary minus, where the numerical constant variable or expressions is written minus sign. तो यहाँ पर सारा कुछ आप देख सकते हो कि किस तरह से माइनस साइन यहाँ पर कैरी कर रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो each case of minus sign is followed by the numerical operand, which is maybe the integer constant, floating point constant or numeric variable arithmetic operation constant. रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आएगा इक्वल टू फिर नॉट इक्वल टू।
ये सारी चीज़ें आप हम प्रैक्टिकल्स में कर रहे होंगे और उसको वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। द इक्वालिटी ऑफ ऑपरेटर्स फॉल इनटू अ सेपरेट प्रेजेंसेस ग्रुप बेनेथ देन रिलेशन ऑपरेटर्स एक्सप्रेशंस आई ग्रेटर देन जे इज ट्रू एंड जे प्लस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू के इज ट्रू जे प्लस के ग्रेटर देन आई माइनस आई प्लस फाइव फॉल्स। तो यहाँ पे जीरो और वन का बाइनरी फॉर्मेट दे रहा है यहाँ पर। इन एडिशनल तो रिलेशन तो इक्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पर एंड का ऑपरेटर्स का यूज़ किया था और का ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है और जो साइन होती है वो सिंपली यहाँ पर दी हुई है ये एंड का है ये और का इस तरह से और एंड का इस तरह से यूज किया जाता है। एंड आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दीज ऑपरेटर्स आर रेफर्ड टू लॉजिकल एंड लॉजिकल और रेस्पेक्टिवली द लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्ट अपन द ऑपरेंट देमसेल्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन द नेट effect of combined individual logical expressions into more than complex condition that are the either or true or false। यहाँ पर देख सकते हो आप clearly mentioned है true or false। Assignment operator क्या होते हैं? There are several different of assignment operators in C. All of these is used to assignment expressions which is assigned by the expression identifier. Expression identifier को install किया जाता है और यहाँ पर expression को differentiate करने के लिए उसके बाद इन C में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ए थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू वाई डी डेल्टा 0.0 इज इक्वल टू वन सम ऑफ लेंथ एंड लेंथ इन टू वेट का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है उसके बाद आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। द कंटिन्यूस कंडीशनल ऑपरेटर्स सिंपली कंडीशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे नाम से समझ में आता है कंडीशन है तो कोई भी कंडीशन अप्लाई होगी तभी ऑपरेटर वर्क करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कैरेट अबाउट द क्वेश्चन मार्क एंड सेमी कॉलन पॉइंटर्स डबल पॉइंटर्स एक्सप्रेशन एज अ मार्क ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड expressions such as the expression can be written in the place of modifying if else statement। if else statement ko hum dekhenge practical ke through with the help of computer। the conditional operators example written in the form of expression is as well aur yahan par hum jayenge dekhenge when the evaluating condition expressions example ke through aap yahan par dekh sakte ho ki kis tarah se yahan par diya gaya hai। in condition of expressions so the below assume the integer वेरिएबल्स i लोअर देन 0 एंड 0 इज समहाउ 100 तो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में एक्सरसाइज आ जाती है तो हम फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वन फिनिश कर चुके हैं पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में आपको दिया जा रहा है कमेंट करिएगा पीडीएफ बनाइए मुझे ईमेल करिए ईमेल नंबर मैं आपको मैंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वॉट इज़ द ऑपरेटर्स वॉट इज़ ऑपरेटर्स दोनों में क्वेश्चन सेम है बट उसमें थोड़े से चेंजेस है अर्थमेटिक और असाइनमेंट का। एंड राइट द प्रोग्राम ऑफ क्रिएट अ कैलकुलेशन ऑफ प्लस माइनस इनटू डिवाइड इसका मैं प्रोग्राम नेक्स्ट कभी वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें दिखाएंगे। एक्सप्लेन द कंडीशनल ऑपरेटर्स लाइक दैट उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4 ऑपरेटर एक्सप्रेशन 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून्ड विद अस।